इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसकी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यही टेंशन का विषय बन गया है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है और आजकल वो क्यों एक हॉट टॉपिक है, ये सब बताऊँगी। सो जीका वायरस सबसे पहले युगांडा में डायग्नोस हुआ था। सबसे पहले हमें ये मंकीज़ में देखा गया था, ये 1947 की बात होगी और उसके बाद 1952 ऑनवर्ड्स हमने इनको ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट होते हुए देखा। बट आजकल आप सब जानते हैं कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यही टेंशन का विषय बन गया है। सो अभी जैसे कि रिसेंटली मैंने कल तक न्यूज़ में देखा है तो अराउंड 80 केसेस उत्तर प्रदेश अकेले में इस वायरस के आ गए हैं। सो ये वायरस अपने नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिट इस वक्त हो रहा है। सो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लगे और ये कितने खतरे की बात है, ये सब बात कर लेते हैं। और ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलता कैसे है, ये भी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये वायरस जो है मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है मेजरली। मॉस्किटो कौन सा, इसका नाम है एडीज एजिप्टी, आपने इसको सुना होगा। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर भी इसी मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाली कुछ और बीमारियां हैं। सो आप सबको पता होगा कि ये जो मॉस्किटो है, मच्छर है, ये दिन के टाइम ही ज़्यादा काटता है, दिन के टाइम भी अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखें। सो ये मॉस्किटो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेजरली। बट मॉस्किटो बाइटिंग यानी कि वेक्टर के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि किसी और के खून से या फिर मदर टू फीटस यानी कि बच्चे से, मतलब माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है और सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। बट अभी तक जो हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर मच्छरों के कारण है। वेक्टर बॉर्न इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ऐसे में इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, फीवर होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान महसूस होना, ठीक है, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको इसके अलावा, या फिर स्किन पे रैश आना, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमें फीवर के डिफरेंट वायरल ओरिजिन्स की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। सो अब आप बोलेंगे हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। रैश वन ऑफ द फीचर्स हो सकता है टू डिफरेंशिएट, बट फिर भी क्लिनिकली हम एक अनुमान लगा सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ेगी। बट ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोगों को ये माइल्ड होता है या फिर एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब ये खून में होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, या फिर माइल्ड होता है नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह, 2 से 7 दिन में ये जा सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिनका फीवर डाउन नहीं आता या और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देनी है गर्भवती महिलाओं के लिए। इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज, बिकॉज अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इफ़ दे आर इन्फेक्टेड विद दिस मॉस्किटो, तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये जो है बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा मदर से बच्चे में चला जाएगा और उससे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती है माइक्रोसेफेली, इसका मतलब है कि बच्चे में ब्रेन की डेवलपमेंट आगे नहीं हो पाना। उसके अलावा भी इसके होने से बच्चे में कुछ और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिसको हम कंजेनाइटल जीका वायरस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेग्नेंट वुमेंस और बच्चों को इस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट केसेस जो हैं यूजुअली माइल्ड होते हैं एंड लेस सिवियर होते हैं। बट अगर फीवर कम ना हो लगभग 7 दिनों के अंदर भी और आपको और कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होने लग जाएं, तो फिर ऐसे में आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सभी को पता होगा कि इसके लिए अभी तक तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम पेशेंट को सिम्टम्स के हिसाब से जो है ट्रीटमेंट देते हैं। ऑफ़ कोर्स बिकॉज इट्स अ वायरल डिजीज़, सो रेस्ट, आराम करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ डेज़ का 4 to 5 days का रेस्ट आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप तरल पदार्थों का सेवन करते हैं यानी कि ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट एज़ यू ऑल नो, वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना। तो ऐसा कोई भी मॉस्किटो जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से आकर आपको काटेगा, वो आपको ये वायरस दे सकता है। सो इट्स बेटर अगर आप रात को मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें,
बहुत सारे मॉस्किटो स्प्रेज आते हैं, इन्फेक्टिसाइड्स आते हैं, लार्वासाइड्स आते हैं, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। जो अपनी शॉप्स हैं, एरियाज़ है जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो पानी जो है आपके घर में स्टोर है, या तो उसको ढककर स्टोर करें, या फिर छोटी छोटी जगहों में पानी डिपॉजिट हो जाता है, तो उनको क्लीन करें। सो एक्चुअली में अगर आप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो को प्रिवेंट करेंगे, तो आप इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप उठाएंगे। ऑल्सो अगर आपकी एरिया में इस टाइप की केसेस आपको बढ़ते हुए या डिटेक्ट होते हुए दिखें, तो आपको सावधान होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीका वायरस के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट रिलेटेड टू हेल्थ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।